प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगर आप 14वीं किस्त आज लेना चाहते हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ जो भी हमारे अन्नदाता किसान भाई आज की वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसानों के बैंक अकाउंट में 14वीं किस्त का पैसा कितने बजे और कौन से टाइम और कौन से डेट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। पूरी की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा। तो और आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप एक किसान हैं और आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में 14वीं किस्त ट्रांसफर होगी या नहीं, पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लें। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पहले 13वीं किस्त ट्रांसफर हो चुकी है या नहीं हुई है। जी हाँ, पहले हम बात कर लेते हैं जिनके खाते पर 13वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। वो लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि भाई मेरे खाते पर भी 13वीं किस्त नहीं आई और आप 14वीं किस्त की बात करो। तो मैं आपको बता दूं कि 14वीं किस्त का पैसा जैसे ही ट्रांसफर किया जाएगा तो आपके बैंक अकाउंट में सीधे किसी 13वीं किस्त के साथ साथ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने EKYC नहीं करवाई तो प्लीज EKYC जरूर करवा लें। बिना EKYC के पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ सकती है। कागजी काम आपके कंप्लीट हो, 14वीं किस्त का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और जिनके किसानों के बैंक अकाउंट में 13वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर हो चुका उनको टेंशन नहीं।